श्रेणी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तेल मसाला पर। थैंक यू। अच्छा, पोल खोल सेगमेंट है, क्या लगता है कितनी पोल खोल पाने वाली हैं? पता नहीं यार, मैं बहुत बुरी हूँ इन सब चीजों में। आपको एक्चुअली बाकी सबसे पूछना चाहिए पोल खोल के लिए। उनका हो गया। अच्छा हो गया, ओह नो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हंग्री कौन होता है सेट पर, जो खाना देखते खाने पर टूट पड़ता? एक्चुअली ये बहुत फनी चीज़ है, हम पूरा जो हमारी पूरी एक्टर्स की जो टीम है ना, सब हमेशा भूखे रहते हैं। सो इट्स बेसिकली ऑल ऑफ अस। बट वैसे तन्वी है, उसको कुछ भी पूछो वो कभी ना नहीं बोलती है, कभी ना नहीं बोलती है। तन्वी सुन, ये खाएगी? हाँ, ऐसे करती है वो। सो दैट इज तन्वी। ओके, सबसे बड़ा रेस्ट लवर जो एक शॉट देने के बाद अपने रूम में जाना ज़्यादा पसंद करता है? एक्चुअली कोई नहीं, हम लोग सेट पे हमेशा बैठे रहते हैं, बट हाँ मैं सो जाती हूँ, सेट पे भी सो जाती हूँ, तो आई थिंक दैट हैज़ टू बी मी। ओके, सबसे ज़्यादा चिल्ड कोई लगता हो सेट पर? चिल्ड आई थिंक इट इज आंचल एंड आयुब सर। ओके, कोई स्ट्रिक्ट भी लगता है सीनियर? कोई नहीं है, हमारे दादू जो है वो सबसे ज़्यादा छोटे हैं हमारी टीम में, सो ऐसे स्ट्रिक्ट कोई नहीं है। अच्छा, आप लोग साथ में सीन्स करते हैं, सीन्स को लेकर ओवर एक्साइटेड कोई रहता हो और सजेशन ज़्यादा देता हो, ऐसा कोई? सजेशन तो सभी देते हैं। ओवर एक्साइटेड हमारा ईशान रहता है, ईशान जो ध्रुव बनते हैं वो सबसे हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर होता है। अरे थोड़ा सा एंगल ऐसा रखते हैं, थोड़ा एंगल वैसा रखते हैं, और वो हमेशा टचअप करता रहता है। ई गेट्स वेरी दिस थिंग, उनको OCD टाइप्स है थोड़ा सा, एवरीथिंग परफेक्ट चाहिए। हमारे आमिर खान है। सलमान। कोई डिस्टर्बर भी है सेट पर, जो मतलब आप लोग जब साथ में सीन्स करते हो तो अनॉय करता हो, डिस्टर्ब करता? आंचल सबसे ज़्यादा डांट खाती है डायरेक्टर सर से, हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, हम लोग खुद ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बट इट इज़ आंचल। अच्छा, सेट का अगर प्रैंकस्टर कहा जाए तो वो कौन होगा? इट हैज़ टू बी जैन। कोई प्रैंक अगर उनका बताना चाहे आपके साथ किया हो या फिर सेट पर? यार ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता, बट वो है ऐसा कि कभी भी हंस पड़ता है, कभी भी ऐसे चालू शॉट में आंख मारता है, तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे प्रैंक्स है जो करता रहता है सबके साथ। अच्छा, कोई लेट लतीफ जिसकी वजह से सीन्स डिले होते या थोड़ा वेट करना पड़ता कभी कभार? जैन ही है, या फिर हम लड़कियाँ हो जाती है, कभी कभी मेकअप का कोई इशू हो जाता है, तो अदरवाइज तो सब टाइम पे आते हैं, कुछ ज़्यादा ही पंचुअल यूनिट है। अच्छा, सबसे ज्यादा पीजेस कोई क्रैक करता फालतू जोक्स? आंचल। ओके, एक्चुअली दादू भी है, दादू बड़े जोक्स क्रैक करते हैं, बड़े स्वीट है वो, और छोटी सी थम्सअप की बॉटल पीते रहते हैं और जोक्स क्रैक करते रहते हैं। ओके, गॉसिप मेकर अगर सेट का कहा जाए, जिसे न्यूज़ ज्यादा पता चलती हो, सेट की चुपड़ी चाची? सोचने दो। नहीं यार, कोई नहीं है, हम लोग सब इकट्ठे बैठे रहते हैं, तो अगर बातें होती है तो कभी कभी डिस्कशन होती है ऐसे नेशनल लेवल की, तो गॉसिपिंग का टाइम नहीं रहता। वी आर वेरी चिल्ड, हमें पता कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या देश में चल रहा है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिचिंग सर। अच्छा अच्छा, अगर सबसे बड़ा एंटरटेनर या पावर पैक्ड एंटरटेनर अगर किसी को कहा जाए तो वो कौन होगा आपकी नज़रों में? इट हैज़ टू बी अयूब सर, आंचल, जैन, मी। या ओके, कोई बोरिंग भी लगता है आपको सेट पर? नहीं, हमारे यहाँ पे बोरिंग कोई नहीं है। आप ये कह सकते हो कि लिसनर्स हैं, क्योंकि टीना सुनती है, वो ज़्यादा चुप रहती है, पर वो सुनती सब है। और अंशुल है जो जय का किरदार निभा रहे हैं, वो दोनों चुप रहते हैं पर इन्वॉल्व हमेशा होते हैं। ओके सर, श्रेणु का टी टाइम पार्टनर? टी टाइम पार्टनर इट हैज़ टू बी पूर्वा, आंचल और तन्वी। एक्चुअली हम लोग सब साथ में ही चाय पीते हैं यार, मोस्टली सब सेट पे होते हैं, जिस दिन वो लोग नहीं होते उस दिन मेरा टी टाइम मैं अकेली होती हूँ। लास्टली कितना एंजॉय किया इस सेगमेंट को? बहुत एंजॉय किया, आई होप ये एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ ये सब याद करने में, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है, तो आई होप आप लोगों को ये एंटरटेनिंग लगे।